नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको थ्री स्पीड या मल्टी स्पीड मोटर को टेस्टिंग के बारे में बता रहे हैं। अक्सर क्या है, इसमें चार वायर होते हैं। अब इनमें कई बार पता नहीं चलता कि ब्लैक है वायर है वो ब्लैक या रेड येलो वाइट, इनमें से कौन सी न्यूट्रल है बाकी फेज है। अब इनमें से ज़्यादातर में लिखा हुआ होता है, लेकिन पुरानी मोटर जो होती है उसमें ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वायर के जो सिग्नल हैं वो आगे पीछे जो मैकेनिक काम करते हैं तो वो रह जाते हैं। लेकिन मैंने एक नया नियम ये भी बना रखा है, मैं उसको एक वायर में गांठ लगा देता हूँ, ऐसे जैसे ही मैंने लगा रखी है। अब ये अदरवाइज ये सभी फेज के हैं जो इसको लो हाई और मीडियम में स्पीड देते हैं। अब हमें इनमें न्यूट्रल, फर्स्ट में हम न्यूट्रल चेक करते हैं। तो न्यूट्रल चेक करने के लिए हमारे मल्टीमीटर है जिसको कंटिन्यूटी टेस्टिंग बीप वाली टेस्टिंग पे डाल लेना होता है। ये इसमें शायद आवाज थोड़ी कम है, आपको शायद सुनाई कम दे रही होगी, लेकिन ये ऐसे बीप आएगी। और हमें कोई भी एक वायर मल्टीमीटर की लेके और इनमें लगाने। अब ब्लू या ब्लैक जिसमें भी रीडिंग ज्यादा शो करे, ये जो मोटर है ये जली हुई है इसलिए रीडिंग आएगी नहीं, लेकिन किसी में भी लगाओगे तो आपको रीडिंग दिखाई देगी। ज्यादा रीडिंग जिस वायर के साथ आए वही इसका न्यूट्रल होगा, अन्यथा। अब आप जैसे ही इनमें लगाएंगे तो बिल्कुल ही कम रीडिंग शो करेगा, किसी में भी, तीनों में भी कम रीडिंग शो करेगा और इसके साथ सबसे हाई शो करेगा। ये कर नहीं रहा है लेकिन ये जली हुई इस कारण से। तो इसका जो न्यूट्रल होता है जो देखेंगे आप, ब्लू ही कहलाएगा। ज्यादातर 90% नई मोटर या पुरानी मोटरों में नीला ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है अदर कलर भी डाल दिए जाते हैं। तो ये इसका एक नॉर्मली सिस्टम है चेक करने का। अब आपको एक सीधा सिंपल एक टेस्टिंग ये भी है कि आप जली हुई है या कैसी भी खराब है मोटर, तो उसको फास्ट तरीके से आप ऐसा चेक कर सकते हैं कि ये ले और इनमें टच करके देखें। अगर ये लाइट शो करती है तो कनेक्टिविटी में अगर लाइट आती है तो ये सही है, अन्यथा ज़्यादातर ये जल चुकी होती है। अब इसमें कोई लाइट शो नहीं कर रही तो ये जली हुई है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।